ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की। आज हम अपने बचपन के मित्र आरकेएस भदौरिया के साथ मध्य प्रदेश के कटनी स्थित रूपनाथ धाम में आए हैं। हमें भगवान ने, शिव ने बुलाया है। यह धाम बहुत ही प्राचीनतम धाम है, विश्व में प्राचीनतम धाम शिव धाम है। इसके बारे में, इस धाम के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से प्रमुख है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भस्मासुर ने इसी स्थान पर घनघोर तपस्या की थी। तब शिव भोलेनाथ प्रसन्न होकर वरदान देने आए, तो उसने वरदान प्राप्त किया कि हम जिसको, जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। और उसने भगवान शिव को ही भस्म करना चाहा। तब भगवान शिव इसी मंदिर के पीछे भी देखेंगे आप, गुफा बनी हुई है। गुफा से होके कई किलोमीटर पहाड़ों के बीच से निकल के गए थे। आज भी वो स्थान, वो दृश्य आप देखेंगे, वो गुफा भी अभी उपलब्ध है। तो ये बहुत ही प्राचीनतम स्थान है। देखिए, दर्शन कीजिए, भगवान शिव के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरी कथा है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए, दर्शन कीजिए। दूसरी कथा है कि इसी स्थान पर भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब वन को गमन किया था उन्होंने, तब कुछ दिन रुके थे। तो ये यहाँ पर कुछ छोटे छोटे तालाब टाइप हैं, जो लक्ष्मण ताल, श्री राम ताल और माता जानकी ताल के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत ही प्राचीन स्थल है। इसके अलावा यहाँ एक कथा और प्रचलित है। जब राजा अशोक को युद्ध से विरक्ति हो गई थी, तो स्थान पर आए, आके कुछ दिन रुके, उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए आए थे। और अशोक के द्वारा लिखित शिलालेख अभी भी यहाँ स्थित हैं। देखिए, आप दर्शन कर सकते हैं। अब मंदिर के चारों ओर बहुत ही रमणीय स्थान है, अच्छा पार्क बना हुआ है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता पूरे देश से तांता लगा रहता है। बहुत ही आने जाने की व्यवस्था ठीक है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, अच्छा शुद्ध जल मिलता है। और पहाड़ों के बीच में बहुत ही आनंददायी पल भी गुजार सकते हैं आप। देखिए, कितना अच्छा स्वच्छ जल है। दर्शन कीजिए, बहुत ही पुराने